मोनोटॉनिक प्रेफरेंसेस। क्या होती हैं ये मोनोटॉनिक प्रेफरेंसेस? मोनोटॉनिक प्रेफरेंसेस इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस से रिलेटेड है। गिवन एन ऑप्शन अ कंज्यूमर विल प्रेफर दैट बंडल इन विच ही गेट्स मोर ऑफ वन गुड एंड नो लेस ऑफ द अदर। मतलब ऑप्शन वन, 5 यूनिट्स ऑफ एप्पल्स, 5 यूनिट्स ऑफ बनानास। ऑप्शन टू, 6 यूनिट्स ऑफ एप्पल्स, 4 यूनिट्स ऑफ बनानास। एप्पल बड़ा, बनाना कम हुआ। क्या आप श्योरिटी के साथ बता सकते हो कि कौन सा चूज करोगे? एक था 5-5, एक था 6-4। तो क्या आप श्योरिटी के साथ बता सकते हो कि कौन सा आपको ज्यादा सेटिस्फैक्शन देगा? नहीं, कह रहे सर ऐसा भी तो हो सकता है कि टोटल सेटिस्फैक्शन सेम रहे, तो हो सकता है मैं इंडिफरेंट रहूं। आई कैन नॉट बी श्योर। अब एक ऑप्शन 5-5, एक ऑप्शन 6-5, 6 यूनिट्स ऑफ एप्पल्स एंड 5 यूनिट्स ऑफ बनाना। तो आप दोनों में से कौन सा चूज करोगे, 5-5 या 6-5? एप्पल एज वी कंज्यूम मोर द टोटल सेटिस्फैक्शन विल इंक्रीज। एडिशनल गिरती है, टोटल तो बढ़ती है। यस और नो? एक ऑप्शन 5 पेन 5 पेंसिल, एक ऑप्शन 6 पेन और 5 पेंसिल। ओ सर ऐसे है। आप कौन सा चूज करोगे? क्यों बेटा, एप्पल बनाना में पेट भर गया था? समझ रही बात या नहीं? कि सर बैलेंस है ना 5-5 में, 6-5 में बैलेंस नहीं है, ये कहना चाहते हो? ये यूनिट्स हैं। क्या हैं ये यूनिट्स? 5 यूनिट्स ऑफ एक्स, 5 यूनिट्स ऑफ वाई, और 6 यूनिट्स ऑफ एक्स एंड 5 यूनिट्स ऑफ वाई। कौन सा चूज करोगे, 6-5? कौन कहता है कि नहीं 5-5? 6-5। तो आपकी प्रेफरेंसेस मोनोटॉनिक है। क्या है आपकी प्रेफरेंसेस? मोनोटॉनिक। तो ये अजम्पशन है इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस की कि कंज्यूमर की प्रेफरेंसेस मोनोटॉनिक है। इसका मतलब क्या होता है? गिवन एन ऑप्शन अ कंज्यूमर विल प्रेफर दैट बंडल इन विच ही गेट्स मोर ऑफ वन गुड एंड नो लेस ऑफ द अदर। तो आप वो चूज करोगे जिसमें आपको एक की तो ज्यादा मिल रही है और दूसरे की आपको सैक्रिफाइस नहीं करनी पड़ रही। लेकिन अगर एक की बढ़ रही है और दूसरे की सैक्रिफाइस करनी पड़ रही है तो देन यू मे बी इंडिफरेंट। समझ आई बात? हाँ, तो आप डिफरेंट इंडिफरेंस कर्व पे चले जाओगे ना। वेरी गुड पॉइंट। तो सर अगर आपने ये, यहां हमारे साथ नहीं है, चलो हो गया ना पेज खाली। अब ध्यान से देखना सर, हम तो ये सोचते हैं जब जूम आउट होगा तो क्या होगा। ध्यान से देखना, आप ऐसे इंडिफरेंस कर्व पे थे, इफ यू इंक्रीज द कंजम्पशन ऑफ वन गुड, आप इस पॉइंट पे थे, आपने एक की कंजम्पशन बढ़ाई और दूसरे की कम नहीं करी, तो आप यहां आ जाओगे एक ही जगह बी, कि अगर आपने एक्स की कंजम्पशन बढ़ाई और वाई की कम नहीं करी तो आप यहां आ गए ना। तो इसका मतलब आप कहां आ गए, आप हायर इंडिफरेंस कर्व पे आ गए। तो क्या चूज करोगे, ए या बी? और ए और सी में से कौन सा चूज करोगे गौतम? ए और सी में से कौन सा चूज करोगे बेटा? फोर मिनट्स आ गए। नहीं, वो मेरे को थोड़ा फीवरेज सा लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। आई एम ओके, आई ऑल राइट। तो आपका डाउट क्लियर है बेटा? ठीक है ना, कि मतलब हाँ बिल्कुल सही आपने पहचाना कि तो सर हम तो उस इंडिफरेंस कर्व पे रहेंगे नहीं। वो भी एग्जैक्टली यही बता रहे हैं कि जब आपने प्रेफरेंस बता दी अपनी, तो इसका मतलब यू आर प्रेफरिंग ऑप्शन बी ओवर ए। इसका मतलब दे आर नॉट गिविंग यू सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन,
इसका मतलब यू वुड नॉट बी ऑन द सेम इंडिफरेंस क्लियर सर आखिर बोली इतना बड़ा एप्पल देख के देखना मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस इंपॉर्टेंट टर्म है काफी मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस मीन्स दैट अ रैशनल कंज्यूमर ऑलवेज प्रेफर्स मोर ऑफ अ कमोडिटी एज इट ऑफर्स हिम higher level of satisfaction. He will always prefer more of a commodity given an option. In simple words, aapko yaad karne padenge. Monotonic preferences implies that as consumption increases, total utility also increases. As consumption increases, total utility, jaise se aap zyada consume karoge na, law of DMU kehta hai marginal utility giregi. लेकिन टोटल यूटिलिटी तो बढ़ेगी तो एमयू नेगेटिव भी तो हो सकती है अरे वो तो बहुत बाद में जाके होगी ना अभी पहले खाओ तो सही ढंग से फॉर इंस्टेंस अ कंज्यूमर्स प्रेफरेंसेस आर मोनोटोनिक ओनली व्हेन बिटवीन एनी टू बंडल्स ही प्रेफर्स द बंडल व्हिच हैज मोर ऑफ एटलीस्ट वन गुड एंड नो लेस ऑफ द अदर गुड एग्जाम्पल कंसिडर टू गुड्स एप्पल बनाना सपोज टू डिफरेंट तो 10A 10B 7A 7B कौन सा चूज करोगे अमल 10A 10B तो आपकी प्रेफरेंसेस मोनोटोनिक हैं कंज्यूमर्स प्रेफरेंस ऑफ फर्स्ट बंडल एज कंपेयर टू द सेकंड बंडल विल बी कॉल्ड मोनोटोनिक प्रेफरेंस अरे बड़े बेवकूफ है मतलब इतनी सिंपल सी बात को इतना मुश्किल नाम क्यों दे रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात थी ना कि हम वही करते लेकिन ऑब्वियस सी बात थी तो आपने क्यों नहीं बोली ऑब्वियस सी बात आपने 5-5 क्यों चूज करा तो बताया कि गिवन एन ऑप्शन हायर द यूनिट्स हायर वुड बी द टोटल सेटिस्फेक्शन तो है तो बिल्कुल लॉजिकल बातें उसमें कोई डाउट ही नहीं है कि वो लॉजिक की ही बात कर रहे हैं पर थोड़ा सा टेक्निकल वर्ड्स के साथ तो हमें भी वो यूज करने पड़ेंगे ओके 10A 7B 9A 7B तो 7B 7B सेम 10A और 9A तो कौन सा चूज करोगे पर्ल more of one and no less of the other take so first bundle will be preferred over the second bundle so your preferences will be considered as monotonic preferences means a rational consumer always prefers more of a commodity as it offers him a higher level of satisfaction given an option a consumer will prefer that bundle in which he gets more of one and no less of the other okay monotonic preferences